सब्जी में दो दो सिंगल तो नहीं चलेंगे, कितने सिंगल चलेंगे? कितने? एक सिंगल चलेंगे। तो अभी भी एक संकल्प की ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं? समझ लो मुरली सुनने के लिए आ रहे हो, ठीक है? क्लास शुरू हो गया, चप्पल निकाल के अंदर आए, लेकिन चप्पल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपकी मन से एक आवाज आएगी, अरे भाई चप्पल ठीक कर लो। अरे कोई बात नहीं, दूसरे ठीक करेंगे, मैं जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। इधर आके मुरली सुनने के लिए बैठ गए, उधर संकल्प चल रहा है चप्पल तो ठीक कर लेना चाहिए था। आया ना? तो सुबह से लेके शाम तक जो भी कर्म कर रहे हैं, पैरों के नाखून से लेके सिर के बाल तक जो पहला संकल्प आता है, उसको सबसे पहले इस शरीर को ठीक करनी है, तो संस्कार धीरे धीरे बनता जाएगा, क्योंकि संस्कार जो बिगड़ा है इस शरीर के माध्यम से बिगड़ा है। आया ना? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कुछ कर सकती है? पुरुषार्थ समझ लो, आपको अभी प्यास लगी हो, अभी नहीं समझ लो, आपको प्यास लगी है सुबह उठ के, आपको अभी नहीं, थोड़ा बाद में स्नान करने को मन हो रहा है, थोड़ा बाद में कर लेंगे। ये जो बाद में करते हो तो संकल्प की कमजोर शक्ति को उत्पन्न करते, कमजोर शक्ति को। तो अभी करना मना करना, तो मैं पूछूंगा आप हाँ जी बोलते जाना, किसमें ना जी बोलना वही सोच लेना। सफलता पानी है, सुख बना है, समृद्ध बनना है, आगे बढ़ना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, थप्पड़ मारना है, चोरी करनी है। एक भाई बोलता है मेरे को ना उसको थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है, तो क्या मेरा पहला संकल्प नहीं है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, सुख, पवित्रता, आनंद है। वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। जो हमारी नेगेटिव संकल्प से कर्म हो रहा है उसको छोड़ते जाना, उसको करना नहीं है। जो अच्छे अच्छे संकल्प है वो करना है। करोगे धीरे धीरे अंतर मन मानने लग जाएगा कि इसको तो सही रास्ता भी दिखाना।